जनपद हापुड़ के थाना सिंभौली के अंतर्गत ग्राम रझेटी के प्रधान इकरार चौधरी से हुई वार्तालाप वार्तालाप में इकरार चौधरी ने बताया कि पूर्व सैनिक जनपद हापुड़ में कितने सैनिक शहीद हुए हैं इस बारे में जानकारी दी और कहा कि जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों को पेंशन भी समय पर नहीं मिल रही। इकरार चौधरी ने कहा कि उनका संगठन किसान यूनियन संघर्ष और सैनिक शहीदों को उनका पेंशन का पैसा समय पर दिलाने का काम करेंगे। जो सैनिक शहीद हुए हैं उनके परिवार वालों से जाकर मिलेंगे। जय जवान जय किसान। सर, ये जो आज प्रोग्राम रखा गया है इसका क्या उद्देश्य है, क्या प्रोग्राम है? आज भूतपूर्व सैनिक संघ के लोग मंदिर सिंह, जिला अध्यक्ष कैप्टन राजेश, जिला अध्यक्ष साहिब भाई, जो लंबे समय से भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं को उठाते हैं और भूतपूर्व सैनिकों के संघ से जुड़े हैं, आज ये दो तीन लोग, चूँकि मैं भी भूतपूर्व सैनिक हूँ और मैंने भी आर्मी 20 साल नौकरी करी है, तो दो तीन मुद्दों को लेके, सैनिकों से जुड़े मुद्दों को लेके आए थे और एक बड़ी और इम्पोर्टेंट बात के लिए आए थे। जो सबसे ज्वलंत मुद्दा जनपद हापुड़ में आज चल रहा है, वकीलों के पुलिस के बीच में जो विवाद हो रखा है और दोनों बड़ी नाक का इशू बनाए हुए हैं, टेबल वार्ता नहीं चल पा रही है, तो आज जितने भी जिले के सैनिक पूर्व सैनिक लोग हैं उनमें से कई उनके प्रतिनिधि इसी विषय पर विचार करने के लिए आए थे। क्या हम भूतपूर्व सैनिक जो देश के लिए बड़े लंबे समय तक सेवा करके आए हैं, तो क्या हम इसमें कोई अपना रोल प्ले कर सकते हैं, इनकी मध्यस्थता करने में कोई शुरुआत कर सकते हैं, तो इस विषय पर आज चर्चा कर रहे थे। सर, ये जो सैनिक आज आपसे वार्तालाप करने के लिए आए थे, ये वकीलों के लिए आए थे या पुलिस प्रशासन के लिए? नहीं नहीं, इनके दो तीन मुद्दे थे। एक तो वकील बनाम पुलिस वाले विवाद में, तो इनका मकसद सिर्फ इतना था कि भाई हम, देखिए पुलिस यूनिफॉर्म में समाज की सुरक्षा करती है, समाज की सेवा करती है जी। दूसरा वकील, वो भी किसी रूप में समाज की सेवा करते हैं, गरीबों की न्याय की लड़ाई लड़ते हैं जी। तो दोनों समाज में बहुत महत्वपूर्ण अंग है समाज के दोनों। हमारा सिर्फ भूतपूर्व सैनिकों का मानना यह है कि भाई ये इनके बीच में विवाद कैसे भी खत्म होना चाहिए, तो हम अगर कुछ मध्यस्थता करके इनको टेबल पर मेज पर बिठा सकते हैं। एक कमेटी गठित करी हुई है ऑलरेडी उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिसमें मेरिट कमिश्नर और उनके साथ में दो मेंबर आप मेरिट के एडीजी, सॉरी आईजी साहब और एडीजी, सॉरी डीआईजी मुरादाबाद जी, अब उन कमेटी में, तो कमेटी जांच करने आई थी, तो गतिरोध बना हुआ है वो, चूँकि बात आपस में नहीं कर रहे हैं, वकीलों ने अपना पक्ष रखा नहीं उनके पास, हम चाहते हैं वकील उनके पास अपना पक्ष रखें और दोनों मिलकर मतलब आउट ऑफ कोर्ट, आउट ऑफ सरकार एक समझौता कर लें, नाका इशू ना बनाए। हम ऐसी मध्यस्थता करने के ऊपर आज विचार कर रहे थे और हमें ये तय हुआ है कि आज हम ऐसा एक ज्ञापन बना के और मेरिट कमिश्नर को, डीएम हापुड़ को, एसपी हापुड़ को और बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को, हापुड़ जनपद की बार एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को, उनको हम एक ये ज्ञापन देंगे कि भाई आप लोग लड़ो मत, मिल बैठ के समस्या का समाधान करें। सर, अपना परिचय दीजिए, आपका क्या नाम है और कौन से गांव के आप रहने वाले हैं? मेरा नाम इरकान चौधरी है, ये गांव रझेटी में मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ जी, और मैं प्रधानपति भी हूँ और एक समाज की, किसानों की लड़ाई के लिए, गरीबों की लड़ाई के लिए, एक मैं भारतीय किसान संघर्ष के नाम से उससे भी जुड़ा हूँ, भारतीय किसान संघर्ष से, जिसका राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ और प्रदेश अध्यक्ष हूँ। तो कई तरीके से लोग समाज की सेवा करते हैं, मैं भी उसी रूप में किसानों की, गरीबों की आवाज़ उठाने के लिए इस संगठन में बना रखा हूँ और भूतपूर्व सैनिकों को उस नजर से मैंने आपको बताया कि भाई हम चाहते हैं कि ये विवाद जो है वकीलों का वो खत्म हो। दूसरे और कई मुद्दों पर हमने चर्चा करी थी पूर्व सैनिकों के लिए कि हम जल्दी ये प्लान कर रहे हैं कि भाई पूर्व सैनिकों के लिए उनकी जुड़ी हुई इन्फॉर्मेशन, अभी लोग को ये नहीं पता है जनपद हापुड़ में कितने शहीद हैं, नहीं पता है, या शहीदों के परिवारों की आज आर्थिक स्थिति क्या है, किसी को नहीं पता है। हम ये चाहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन एक मैगजीन के रूप में लोगों तक पहुंचाए कि जनपद हापुड़ में कितने शहीद हुए हैं, उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति क्या है, या जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनकी पेंशनें समय पर मिल रही हैं, क्या क्या उनको समस्याएं आती हैं, इन सब चीज़ों के निदान के लिए एक मैगजीन लॉन्च करने का हम प्लान कर रहे हैं बहुत जल्दी। उस मैगजीन में सब इन्फॉर्मेशन आएगी, लोगों की, भूतपूर्व सैनिकों की समस्याएं आएंगी वो होंगी और उसमें एक्सपर्ट की राय भी आएगी। सर, एक जानकारी लेनी थी आपसे, सर जनपद हापुड़ में कितने सैनिक